अस्सलाम वालेकुम मैम, मीटिंग लाइव हो गई है। मैं आपको हेलो, जी, कहानी वालेकुम बताइए। अस्सलाम। जी, आ रही आवाज़? मैम आसिया, आप स्क्रीन शेयर कर दें। जी अच्छा, कल का रिवाइज करवा दें, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टूडेंट अपना माइक अनम्यूट करके कल का रिवाइज करवा दें जो हमने कल पढ़ा था। मैम, ऑपरेटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंबल्स और कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। इसमें पहला जो है वो ऑटोमेटिक ऑपरेटर है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिवीजन आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसको भी कल हमने थोड़ा सा देखा था। ठीक है, इसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह आ जाती है, जिसमें से हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देख लिया था। आज हम मॉडुलस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जल्दी से डिवीजन के टाइप्स बता दे। डिवीजन की मैम दो टाइप्स है, जी एक डबल स्लैश जो है डबल डिवीजन, उसमें जो है ना वो ऑलवेज इंटीजर आता है आंसर, और जो सिंपल डिवीजन है उसमें ऑलवेज फ्लोट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। मैम इसे नीचे वाले सेल पे जाइएगा। मैम, ये डबल डिवीजन वाला, इसका थोड़ा दोबारा समझा देंगे, ये डबल डिवीजन का क्या मतलब है? ठीक है, मैं समझा देती हूँ। अब देखिए, डबल डिवीजन क्या है कि हम जब डिवीजन करेंगे ना अपने इंटीजर्स की, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हमेशा हमारे पास इंटीजर में आएगा। अब देखिए, जैसे कि मेरे पास सेल में दिया हुआ है, इस वाले सेल में देखें यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास एक्स दिया हुआ है 9 और वाई दिया हुआ है 5। अब मैं 9 अंदर रखती हूँ और 5 बाहर रखती हूँ और इसको डिवाइड करती हूँ, तो मुझे बताइएगा आंसर क्या आता है। 1.8। जल्दी से बताइएगा। ठीक है, 1.8 पे ये मेरे पास कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो अब इस टाइप में हम क्या करते हैं, जो पॉइंट के बाद वाली हमारे पास वैल्यूज होती है ना, उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उनको हम कंसीडर नहीं करते, जो सिर्फ इंटीजर वैल्यू होती है हम उसको कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज, जैसे यहाँ पे देखें हम, तो हमारे पास 1 जो है वो इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, ये 1 इंटीजर है, डेसिमल वैल्यू बाद जितनी भी वैल्यूज हों वो हम नहीं लेंगे डबल डिवीजन में। ठीक है, इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। तो इसमें वो यस, यही कह रहे हैं कि एक्स 9 है और वाई आवाज मैम, आपकी हमारे आवाज पास 5 तो फॉर्मूला है हमारे पास एक्स। अब मैम, ठीक आपकी आवाज कट रही है। है, अब ठीक आ हाँ रही है जी मैम, ना। एक्चुअली आज यहाँ पे इंटरनेट का इशू है, तो मैम आसिया अगर मेरी आवाज़ ज़्यादा कट हो रही हो तो आप बेशक स्टार्ट कर दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं।
नीचे वाले सेल में उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है, प्रिंट कर दें -3/2। तो ये सिंपल डिवीजन है, इसमें हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास उसका आंसर आ गया -1.5। मैम नेक्स्ट वाला सेल रन करके दिखाइएगा। ठीक है, यहाँ तक था हमारा कल का, जो हमने कल पढ़ा था उसकी रिवीजन हो गई। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल से। आप में से मुझे कोई बताएगा कि एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट बेसिकली पावर मैम होती है। पावर लेना। ठीक है, एक्सपोनेंट हम बोलते हैं पावर को। जब भी हम लोग चाह रहे होते हैं ना कि हमारे पास कोई वैल्यू है और उसकी हम लोग डबल में हम चाह रहे होते हैं कि इसकी पावर आ जाए हमारे पास, तो हम एक्सपोनेंट का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर यूज करते हैं। और आपने ये याद रखना है कि जो मल्टीप्लीकेशन है हमारे पास उसको सिंगल स्टेरिक से, और जो एक्सपोनेंशियल है उसको हम डबल स्टेरिक से शो करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इस सेल में। अब देखिए मेरे पास, हम लोग सिंपल कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, ये 5 है, उसकी पावर 2 है। ठीक है, अब जो हमारे पास पाइथन है इसमें हम इस तरह से राइटिंग करेंगे। इसके लिए हम डबल स्टेरिक का यूज करते हैं। जैसे आप ये सेल देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है उन्होंने, एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, मुझे प्रिंट कर दो एक्स की डबल पावर वाई। आप मुझे बताएं 5 की पावर 2 हो तो क्या होता है हमारे पास? 25 25 25 तो जब मैंने उसे कहा मुझे प्रिंट कर दो तो उसने मुझे 25 आंस में दे दिया। और नीचे मैंने उसके पास टाइप का फंक्शन लगाया हुआ है। आप बताएं टाइप का फंक्शन क्यों लगाते हैं? आपको किसी भी कम करने वेरिएबल के की लिए टाइप मालूम करनी हो तो हम उसमें पिछले लगा सकते हैं सेशंस में पढ़ चुकी एक्सपोनेंट हैं। की तरह। यस मैम, किसी भी टाइप पता करने के लिए उसकी ठीक है, इसलिए ठीक फिर टाइप का फंक्शन लगाते। है, तो उसने हमें बता दिया कि इसकी क्लास क्या इंटीजर है हमारे पास। मैम आपकी आवाज थोड़ी कट अब हो रही है। मॉड्यूल्स को देख लेते हैं। मैं दोबारा से ज्वाइन करती हूँ, मुझे बताइएगा फिर। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मैम की वालेकुम वॉइस अस्सलाम। थोड़ी सी डिस्टर्ब है। जब तक वो हमें दोबारा ज्वाइन कर ले, हमारे साथ डॉक्टर जफर शाहिद मौजूद है। ही इज ज्वाइन फ्रॉम कैलिफोर्निया। सो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं यू मे आस्क राइट नाउ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों का? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा क्वेश्चन था, मैंने आपके जो आपने सेशंस कैरियर काउंसलिंग के थे सारे, मैं बिगिनर हूँ, मुझे 1 वीक हुआ है क्लासेस ले रहा हूँ, तो वो सारा तो मुझे समझ आ गया। लीड कोड मैं कर रहा हूँ, पाइथन मुझे पहले भी मतलब इंटरमीडिएट लेवल की आती है, और वो मैं दोबारा अपनी उसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहा हूँ ठीक इन है, सेशन से भी, और लीट कोड भी मैंने स्टार्ट कर दिया सर, और आइल्स भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ सर। मुझे जो समझ नहीं आ रही वो ये कि हैकाथॉन्स में मैंने कैसे पार्ट लेना है, उसका क्या प्रोसीजर है, मतलब उसके लिए मुझे क्या मतलब गूगल पे ही सर्च करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, या आप हमें खुद लिस्ट देंगे हैकाथॉन्स वगैरह की कि ये अवेलेबल है, इसमें स्टूडेंट्स मतलब अप्लाई करें। हाँ क्या कहते हैं, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। आई कोड गुरु पे हम हैकाथॉन्स अनाउंस करते हैं वंस अ मंथ एटलीस्ट। जो हम हैकाथॉन रिकमेंड करें आप उसमें जाएं, उसके अलावा ना जाएं, आपका टाइम जाया होगा। ठीक है, वो सर स्लैक में होंगे जो हैकाथॉन्स का ग्रुप बना हुआ है, बिल्कुल जी स्लैक में। स्लैक में हो, बिल्कुल स्लैक में हो। पर अभी मैं देख रहा था कुछ स्टूडेंट, देखें मैं अभी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, मैं कंप्यूटर साइंस मेरा करियर नहीं है, मैंने जिंदगी में कभी किसी से प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी। जी जो वाहि चीज मैंने जिंदगी में सीखी थी एक बंदे से 5 मिनट में, वो ये सीखी थी कि डिबगर कैसे चलाते हैं। आप में से किस किस को डिबगर नहीं आता चलाना, किस किस को पता नहीं है कि डिबगर क्या होता है? हैंड रेज करते सही। अभी देखें जिस तरह भी आप पूछ रहे थे कि जी ये बता दें डबल स्लैश क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं,
तो अगर मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दूं कि आप कंप्यूटर के प्रोग्राम की किसी भी लाइन पे कंप्यूटर के प्रोग्राम को रोक के ये देख सकते हैं कि किस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, तो क्या आपके मोस्ट मसले हल हो जाएंगे? जी सर, एरर का मतलब काफी हद तक पता चल जाता है सब कुछ पता जब चल डिबग जाएगा ना। करते। मसलन आपने जी समझा कि ये डिवीजन ऐसे काम करती है, लेकिन अगर आंसर डिफरेंट आ रहा तो आपको पता चल जाएगा अच्छा नहीं ये डिफरेंट काम कर रही है। तो इस चीज को हम कहते हैं डिबगर। तो डिबगर बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अंधेरी सुनसान रात हो और आपके हाथ में लाइट हो और आपको नजर आ रहा हो, अगर आप डिबगर नहीं चला आपको चलाना नहीं आता तो फिर तो जिंदगी बहुत मुश्किल है, फिर कोई पता नहीं चलेगा कौन सी लाइन क्या कर रही है। तो मैम सभा मेरा ख्याल आपकी टॉक है डिबगर के ऊपर, वो शेयर कर दें यहाँ पे भी और स्लैक में भी, ताकि स्टूडेंट्स जी का ये सर, वाला मसला हल हो जाए। जी सर, श्योर। तो ये डिबगर अगर आपने किसी ने भी पाइथन सीखनी है तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको डिबगर आता हो और बहुत अच्छा आता हो, क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। सही है, ये सब क्लियर हो गए? यस अमेजिंग। सर, यस। तो इसके अलावा क्या कहते हैं कि बेसिकली ये जो सेशन है ये है नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए फोकस्ड, लेकिन ऑब्वियसली हर एक को ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो इसका पर्पस बेसिकली ये है कि नेचुरल साइंस के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो में से बेसिकली उन्हें पता होता है कि टीचिंग में चले जाएं, गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं, और जो मेन इंडस्ट्री की जॉब्स है उन पर हम फोकस ही नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं है। तो इन सेशन का पर्पज है कि हम आपको तैयार करें उन एम्प्लॉयर्स के लिए जो कि नेचुरल साइंस के सबसे बड़े दुनिया में एम्प्लॉयर हैं। दुनिया में सबसे बड़े नेचुरल साइंस के एम्प्लॉयर कौन से है, आपके जहन में कौन सा आता है, कोई साथी एग्जाम्पल देगा जिसको नहीं पता, जो नॉर्मल जिसने पहले ये बात कभी नहीं सुनी? मैथ का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन है दुनिया में, मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट्स का? आई आशीर्वाद थिंक आपने माइक सर, ऑन कर एप्पल लिया, कौन है? एप्पल कंपनी, अमेजोन, लाइक इस तरह की। हाँ, किसी और का कोई आंसर? किसी और का कोई आंसर इस बारे में? गूगल हो आइए। अच्छा, गूगल होगा। दिन में पाकिस्तानी कितने मैथमेटिशियंस हर साल जाते हैं? नो आइडिया। आई थिंक सर लेस देन 200 या 300। नहीं, पाकिस्तानी कोई भी नहीं है ना, कभी सुना कोई पाकिस्तानी गया हो? नहीं, सुना तो नहीं है सर। कभी आपने सुना किसी पाकिस्तानी ने कभी अप्लाई किया हो? मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि अल्टीमेटली आप लोग इन कंपनीज के काबिल हो जाएं, इन कंपनीज में कम्पीट करें, ना सिर्फ कम्पीट करें बल्कि सिलेक्ट भी हो जाएं। तो सेम इज ट्रू फॉर फिजिक्स ग्रेजुएट्स। और ये कंपनियां सिर्फ अमेजॉन हर साल 5 लाख नया बंदा हायर कर, तो अगर हम अब अमेजॉन के लिए इंटरव्यू तैयार कर लें जो कि मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है क्योंकि कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि बाकी लोगों ने तैयारी नहीं की होती। तो हमारा इस नेचुरल साइंस के जो स्कॉलरशिप्स आपको इस काबिल बनाना है कि जब आप इंटरनेशनली जाएं तो पहले तो दुनिया आपका सीवी देख के ये यकीन कर ले कि आप वाकई बाकियों से अच्छे हैं, और फिर जब वो आपका इंटरव्यू करे तो वो आपको सिलेक्ट भी कर ले। तो दैट इज सो सिंपल।
तो मैं आप लोगों से कैलिफोर्निया से बात कर रहा हूँ और अभी यहाँ पे सुबह के 3 बजे। और ये बात करने का पर्पज ही ये है कि हम जो चीखते रहते हैं कि हमारे कंट्री की क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसकी रीजन है कि जो दुनिया की 99% फाइनेंशियल वर्थ है या दौलत है या इकोनॉमी है, 99% हम उसमें हिस्सा ही नहीं है। हम हमारा नौजवान उसको टारगेट ही नहीं करता, उसके काबिल ही नहीं है। तो जब 99% दौलत और ऑब्वियसली जितनी भी फाइनेंशियल वेल्थ होती है उसका कुछ हिस्सा होता है जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ हिस्सा होता है जो आप कहीं और से कर सकते हैं, सारी की सारी दुनिया आ सकती है ना। तो हमारा टारगेट ये है कि हम उस 99% वेल्थ के लिए आप लोगों को तैयार करें। तो आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में और जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसमें जो गैप है उसको फिल करें, और वो हम इंशाल्लाह इस 6 महीने के बूट कैंप में करेंगे, और आप में से कुछ लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि हर एक को दें, लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं है अभी। तो लेकिन 6 महीने के एंड पे आप में से दो किस्म के लोग होंगे, एक वो जिन्होंने 6 महीने का बूट कैंप पूरा किया होगा और एक जिन्होंने नहीं किया होगा, और उन दोनों ग्रुप्स का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। दे विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रीड्स, उनका कैरियर डिफरेंट होगा, उनके जो है कैरियर प्रोग्रेशन डिफरेंट होगा, और वो लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पे रहेंगे हमेशा। गैप बहुत ज्यादा हो चुका होगा। ये भी किसी को क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ वो। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें क्वेश्चन। सर, मेरे लिए कोडिंग और प्रोग्रामिंग बिल्कुल मतलब न्यू है, मेरा ग्रेजुएशन बैकग्राउंड भी नहीं है, तो आप मुझे क्या वे सब्जेक्ट मतलब बता सकते हैं कि जिससे मैं इजीली सीख लूँ? मैं क्लास में प्रेजेंट भी करना चाहती हूँ, बट मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसे प्रेजेंट करूँ अभी। अच्छा, कॉन्फिडेंस ना होने का क्या मतलब है? आपको ये डर है कि लोगों को पता चल जाएगा कि आपको आता नहीं? यही डर होता है सबको, राइट? या आपका ब्रेन फ्रीज हो जाएगा। तो इससे छुटकारा, इससे नेक्स्ट स्टेप पे जो जाना है कि जहां पे आप बोल सकें, आप प्रेजेंट कर सकें, उसके लिए आपको ये पहला स्टेप पार करना पड़ता है। कि आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, पहली तो बात यह कि अपनी इज्जत करना सीखें, अपने आपको बताएं कि जो मेरी करंट सिचुएशन है, दुनिया के हर ग्रेजुएट की यही सिचुएशन होती है, 19-20 का फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। तो जिस तरह आपको डर लगता है उस तरह हर बंदे को शुरू में हेजिटेशन होती है, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर आपने 5 साल बाद या 10 साल बाद 1 करोड़ पर मंथ की सैलरी लेनी है तो आज आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। और आसान, सबसे आसान तरीका क्या, पाइथन सीखने, आप इन सेशंस में आते रहें, सेशन में जागते रहें, तो कुछ अर्से में आपको पाइथन आ जाएगी, कोडिंग भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। अगर एनर्जी है तो रिवाइज करें घर पे, लेकिन अगर आप बिजी हैं, एनर्जी नहीं है, थके हुए हैं, तो फिर बिल्कुल रिवाइज ना करें, रेस्ट करें, और अपने 200% फोकस जो है वो इन क्लासेस पे लगा दें अगर आप सीरियस हैं तो, ताकि आप जल्दी से जल्दी ये चीजें कवर अप कर लें। अदरवाइज क्या कहते हैं, आपको बेशुमार लोग मिलेंगे जो यूनिवर्सिटी में 16 साल गुजार करते हैं और वो किसी काम के नहीं होते। रीजन क्या है, उन्होंने पूरे फोकस से टाइम नहीं दिए होते। तो कोशिश करेंगे आप जब टाइम निकाल रहे हैं सेशंस के लिए तो इनमें आके क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करें, कॉन्फिडेंस से बोलने, जो हंसता हंसने दे, क्योंकि उसमें उधर ही रह जाना, आपने आगे निकल जाना। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 2-4 क्लासेस में पढ़ाएं तो यू विल बी अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। और अगर आपने मेरे कैरियर काउंसलिंग वेबिनार्स नहीं सुने हुए जिन साथियों ने, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाजमी सुन लें, वो स्लैक पे अगर आप पूछें तो मॉडरेटर आपको प्रोवाइड कर देंगे उनके लिंक्स।
लेकिन आपने कैरियर के 10 साल, 8 से 10 साल बाद कहाँ पे होना है उसका डिसीजन आप आज ले रहे हैं। अगर आप कोडिंग सीख लेते हैं तो 10 साल बाद आप ऑब्वियसली महीने की करोड़ों में सैलरी ले रहे होंगे। इट इज वेरी डूएबल। जो सिलिकॉन वैली में तकरीबन 80% लोग हैं वो टाट के स्कूलों में पढ़े हुए हैं, इंडिया के टाट के स्कूलों के, और वो करोड़ों में सैलरी ले रहे हैं। तो एक ना सवाल है तो उनके, कि जी बोलो, इंडियन तो हमारे से बहुत ज्यादा आगे क्यों? इंडियन बिल्कुल आगे नहीं है, बिल्कुल आप जैसे ही। जो इंडियन की मेजोरिटी है वो दुनिया में पहली दफा मैट्रेस या फोम का गद्दा यहाँ पे आके देखती है। वो मंजियों पे सोते हैं, देहाती लोग होते हैं, बहुत सादा होते हैं। लेकिन जो फर्क है वो सिर्फ ये है कि आपका जो एक, आप जैसा एक बंदा जो इंडिया में बैठा है वो बड़ा क्लियर है कि उसने गूगल में जाना या एप्पल में जाना या माइक्रोसॉफ्ट में जाना, आपने वो डिसीजन नहीं किया, ये फर्क है सिर्फ। मॉर्निंग सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं हाई स्कूल का ग्रेजुएट हूँ। मैंने अभी 12th करी है। मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं जब भी ये कोडिंग या फिर 3D चीज़ें सीखने बैठता हूँ तो मुझे काफ़ी मुश्किल लगती हैं और मैं बोर फील करता हूँ। मैं आप ऑनेस्ट होकर बता रहा हूँ, लेकिन मुझे हमेशा से ही ये कंप्यूटर और AI ये टेक्नोलॉजी पसंद है। लेकिन जब मैं इसको सीखने बैठता हूँ तो मुझे मुश्किल होती है और मुझे बोर होता है। तो इसका मतलब मैं ये समझूँ कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि अभी मैंने अभी BS के लिए जाना है, तो ऐसा ना हो मैं गलत डिग्री सेलेक्ट कर बैठूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। ये इंटरेस्ट क्या चीज होती है मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई लाइफ में। देखें वो मुझे आजकल काम आजकल है मेरिट किस चीज का सबसे हाई है यूनिवर्सिटीज में? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का। आज से 20 साल पहले किसका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इनके जाता था। था? बिल्कुल। तो और जो टॉप के IQ के लोग हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, जिनके घर वाले भी इनको जोर लगाते हैं, इसका मतलब है वो किस डोमेन में जा रहे होते हैं? जिस डोमेन में जॉब ज्यादा होती है, सैलरी अच्छी मिल रही होती है। क्या उनका इंटरेस्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता। जिसमें जब मैं था, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो इलेक्ट्रिकल टॉप पे थी, मैं इलेक्ट्रिकल में गया, क्या मेरा इलेक्ट्रिकल में कंसर्न था, शौक था? भाई दूर दूर तक शौक नहीं था, मैं सिर्फ इसलिए गया था कि सैलरी अच्छी मिलेगी। मुझे पढ़ने का भी कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए गया था कि मुझे नौकरी चाहिए थी, कि मेरे बड़े लैंडलॉर्ड नहीं थे कि जो मेरे लिए बहुत सारा पैसा छोड़ गए हूँ कि मैं आराम से ऐसी गुजारूँ। तो लाइफ में ये बात जहन में रखने पहली कि जो है आपने अपना शौक विद इन उन डोमेन्स ढूंढना होता है जिनमें जॉब होती है, वरना भूख आपको मुकद्दर होगी। और दूसरी बात ये जहन में रख लें कि अगर आपको बोरिंग लग रही है तो मे बी आप ग्रुप स्टडी नहीं कर रहे, जिस आई कोड ग्रुप ग्रुप स्टडी होती है, यहाँ पे आकर प्रेजेंट करना शुरू करें, उस इनिशियल फेज में से निकलें जिसमें से चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको जरूर समझ आएंगे। तो मैं आपको ये समराइज कर देता हूँ, अगर आपने अच्छी सैलरी लेनी है 8 से 10 साल बाद, दुनिया में सिर्फ एक ही जॉब है, वो है कोडिंग की जॉब, और कोई जॉब नहीं है। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ। बाकी जॉब्स या तो खत्म हो गई हैं या होने जा रही हैं। बैंक्स खत्म हो रहे हैं दुनिया में, दुनिया में ऑलरेडी ऐसे बैंक्स बन गए जो सिर्फ सॉफ्टवेयर है, और वो जिस तरह Google.com इंस्टॉल है क्लाउड में सर्वर पे, उसी तरह इंस्टॉल होंगे, एक भी बंदा नहीं होगा। टीचिंग की जॉब्स खत्म होने जा रही हैं। AI बड़ा जबरदस्त, ChatGPT बड़ा जबरदस्त उस्ताद है, यूट्यूब पे हर चीज पड़ी हुई है। तो जो जॉब बचेगी वो कोडिंग की बचेगी। बाकी आप सोच लें, अगर आपके पास घर में पैसे हैं तो फिर बेशक बिल्कुल ना पड़े, जिंदगी एंजॉय करें, जिंदगी एक ही दफा मिलती है। लेकिन घर में एनफ पैसे नहीं है, फिर कैरियर बनाए अपना सीरियस तरीके से। सर इसमें एक बात भी तो है ना, और देखिए जैसे जब ऑनलाइन जब होता है तो वहाँ पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना भी तो जरूरी है, वरना बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन होते हुए भी कुछ नहीं कर रहे होते। पूरा पाकिस्तान यही कर रहा है,
देखें, स्टैनफर्ड स्टैनफर्ड MIT हार्वर्ड, इनके पूरे का पूरा करिकुलम पिछले 10 साल से ऑनलाइन पढ़ा है। बिल्कुल क्या पाकिस्तानी की क्वालिटी बढ़ी है? नहीं बढ़ी, क्योंकि अच्छा टीचर होना जरूरी नहीं है कैरियर में आगे जाने के लिए। इट इज वन ऑफ द थिंग्स, और ये इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन अगर अच्छा उस्ताद मिल जाए, अच्छी क्वालिटी की टीचिंग मिल जाए, तो क्या मसले हल हो जाते हैं? बिल्कुल हल नहीं होते। और क्या अच्छे उस्ताद के बगैर मसले हल नहीं होते? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे यूनाइटेड स्टेट्स में लोग गए हैं, ओपन स्कॉलरशिप जो कोटा बेस पे नहीं, फुल ब्राइट वगैरह पे नहीं, वो आई कोड गुरु के हैं। तो आई कोड गुरु में तो कोई भी नहीं पढ़ाता, लोग खुद ग्रुप स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स आपस में। तो इस वक्त जो पिछले 4 साल में सबसे अच्छे ग्रेजुएट्स निकले हैं, वो आई कोड गुरु के निकले हैं, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे जाकर परफॉर्म किए। तो हमारे पास तो कोई उस्ताद नहीं होता। राइट, चलें जी, कोई और क्वेश्चन आ रहा है जिनमें लाजिम पूछें। दैट्स वे मैं इसीलिए सुबह सुबह जाता हूँ, नॉर्मली मैं सोता काम कर रहा होता हूँ, लेकिन आज मैं क्या कहते हैं अभी जा रहा हूँ। जी अच्छा सर, सर, सर मैंने मैंने पूछना था कि ये जो हम पाइथन सीख रहे हैं, लीट कोड पे भी हम पाइथन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इसका मतलब कोडिंग कर रहे हैं पाइथन की सारी, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में सर काम होता है वो तो अब तो फ्रेमवर्क्स में होता है, जैसे पाइथन के फ्लास्क हो गए या जेंगो हो गया, तो हमें अभी जैसे कि आपने पहले भी कह दिया। फ्रेमवर्क्स में टेक्नीशियन काम करते हैं, ठीक है? आपको ग्रेजुएट लेवल का बंदा फ्रेमवर्क से ऊपर की चीज होता है। तो सर जब हम मतलब अगर फैंग और कंपनी को हम आपको ज्वाइन चीज कर लेते हैं तो आपको उधर बड़ी क्या फिर काम करना होगा? फैंग में जाने के लिए किसी फ्रेमवर्क की कोई जरूरत नहीं। देखें, आपका ठीक, टारगेट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैंने फैंग में जाना है क्योंकि वहां सैलरी अच्छी मिलती है, काम मेरे से जो मर्जी करवा दें, और ये गारंटीड है कि फैंग आपसे बड़ा लेटेस्ट काम करवाएगी, अच्छी क्वालिटी का काम करवाएगी। तो ये आप फैंग पे छोड़ दें। फिलहाल आप फोकस करें कि अच्छा मुझे बताओ कि फैंग के इंटरव्यू के लिए क्या चाहिए, तो वो काम करें। अभी जिस तरह आज हमारा पोस्टर छपा है, सॉफ्ट सिस्टम डिजाइन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो ये बेसिकली डॉक्टर रेहान मिशिगन से पढ़ाएंगे सिस्टम डिजाइन, क्योंकि सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू का हिस्सा है। तो हमारा फोकस है इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी, इंटरव्यू के बाद की चीजें वो खुद करवा लेंगे। जी सर, ठीक तो फैंग में AI की जॉब लेने के लिए AI का आना बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोडिंग का आना जरूरी है। तो दुनिया में जो सबसे महंगी जॉब है, जो दुनिया में है, जो चीज सोने से महंगी है, वो कोडिंग है। यानी कि गूगल आपको जो पहले साल की सैलरी देता है, उससे आप 3 किलो सोना खरीद सकते हैं एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। एक्सपीरियंस को नहीं, फ्रेश ग्रेजुएट को जो गूगल सैलरी देता है, वो पहले साल की, उससे आप 3 किलो सोना खरीद सकते हैं, अगर आपने इक्वेट करना हो, इम्पोर्टेंट समझनी है इस चीज के। जी जी सर। आगे चलें जी। तो जो रियल अच्छा वर्ल्ड सर, आपको पाकिस्तान में नजर आती है, पाकिस्तान में सर्विस इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में सस्ते काम वाली इंडस्ट्री है, सस्ती लेबर वाली इंडस्ट्री है, तो रियल वर्ल्ड में काम उससे डिफरेंट होता है। जी जी सर, सर इधर के जॉब्स देखें तो उन्होंने मतलब डिस्क्रिप्शन में 10 तरह के फ्रेमवर्क रखे होते हैं कि ये आने चाहिए, यार, अब ये तो सवाल मेरे से एक क्यों पूछ रहे हो? जी, मैं पूछ नहीं रहा वैसे ही, आपने कहना पाकिस्तान सर्कस इंडस्ट्री। मुझे पता है इस चीज का, मैंने वैसे ही मेंशन किया कि आई डू नॉट वांट टू बी इन अ डिस्कशन, मैं इस तरह का आपसे अपने भी नहीं करना चाह रहा, बाकी लोगों को क्वेश्चन है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा सर, आपने ना पिछले अपने सेशन में फ्रीलांसिंग वगैरह के बारे में बताया था, आपने रिमोट जॉब्स के बारे में नहीं बताया, कि आप रिमोट जॉब को भी फ्रीलांसिंग की तरह ही ट्रीट करेंगे या इसको कुछ डिफरेंट आप रखना चाहेंगे? रिमोट जॉब भी उसी तरह की चीज होती है, जो ओके, सीरियस कंपनी है वो सीरियस काम को कभी रिमोट नहीं करेगी। ठीक हो गया, ठीक है, सही है। तो और ना ठीक ही है। रिमोट पे आप वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीख सकते हैं, ठीक है? तो ऑन ऑन साइट जॉब की बड़ी इंपॉर्टेंस, अगर आप चाहते हैं गूगल पाकिस्तान में ऑफिस खोले, तो वो भाई रिमोट जॉब से कभी नहीं ओपन करेगी। एग्जैक्टली, उसके लिए गूगल में इतने भी लोग आ जाए पाकिस्तानी, गूगल तंग आकर ऑफिस खोल देगा कि भाई मुझे क्या कहते हैं डॉलर्स बचेंगे अगर मैं पाकिस्तान में इन लोगों को रखकर काम करूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, हैंड रेज कर लें, बारी बारी आ जाए। तो जी पूछें।
जी शिराज पूछ लें अपना क्वेश्चन। जी सर, ये जो हम इधर पैथन और साथ में जो है लीट कोड सीख रहे, तो इसको हम अपने सीवी में फिर किस हिसाब से ऐड करेंगे? कोई सर्टिफिकेशन मिलेगी या इस तरह ही हम सीवी में? बड़ा जबरदस्त सवाल जी है। इस सीवी में सर्टिफिकेशन लिखने से गूगल आपका इंटरव्यू करेगा 1 करोड़ महीना वाली जॉब का? नहीं सर, हाँ बिल्कुल नहीं करेगा, तो इसलिए सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो सीवी में हम वो चीजें लिखेंगे जिससे गूगल को पता चलेगा कि आपको चीजें आती हैं। वो मीन मतलब इंटरव्यू में फिर जो है हमारे स्किल्स और वो उसको वो करेंगे, ऑफ कोर्स आगे बिल्कुल, देखेंगे। थैंक यू इंटरव्यू सर। तो बहुत दूर की बात है ना, गूगल हजारों में से एक सीवी शॉर्टलिस्ट करती है इंटरव्यू के लिए। जी सर, ठीक है, तो पहले वो शॉर्टलिस्ट कैसे होना? देखो उसके लिए आप सर में, कौन सी टिप्स देखो मतलब? जी मैं सर, बताता हूँ टिप्स आपको। लेट्स सपोज आप पाकिस्तान में बैठे हैं, किस यूनिवर्सिटी के? आप मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ सर। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। लेट्स सपोज वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक बंदा हायर करना है कंप्यूटर प्रोग्रामर, राइट? जी सर, जी तो सर, उसमें पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशन आएंगे, जी सर, जी और एक एप्लीकेशन युगांडा से भी आती है। तो सर। युगांडा वाले का आप इंटरव्यू करेंगे? नहीं, पाकिस्तान वालों का ही करेंगे। पाकिस्तान वालों के करेंगे ना, लेकिन अगर जी जी युगांडा सर, वाला जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे उसने कोई अवार्ड जीते हो, फिर इंटरव्यू करेंगे उसको? लाजमी सर, एग्जैक्टली। तो जी आपके सर, सीवी पे सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आपके सीवी पे इंटरनेशनल अवार्ड्स होने चाहिए। तो वो अवार्ड्स आपको मिल जाएंगे अगर आप आईकोड गुरु पे आ रहे हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स के इस साल को 300 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड आ चुके हैं। ओके सर। तो वो ठीक उसके है, लिए मतलब हर उसमें आना, सेशन में आना होगा, जिस तरह अभी जो है हमने जो ज्वाइन बिल्कुल किए हुए बिल्कुल। बिगनर्स। हाँ, अगर अगर आप सेशन में नहीं आएंगे तो फिर भाई मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता जी सर, हूँ? मैं उन्हीं की हेल्प करूंगा ना जो सेशन में रेगुलर होंगे। ठीक। जी सिराज, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, जैसे आपने बताया था कि प्रोफेसर्स को जो रीच करना होता है, अगर हम लोग डायरेक्टली जो ओपन स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो अनाउंस होती हैं, उनके ऊपर अगर करें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और वो फिर बहुत कम होती हैं जो फुल ब्राइट वगैरह होती हैं। तो हमने प्रोफेसर्स को रीच करना होता है, उसका क्या, हम लोग फाइंड कैसे करते हैं प्रोफेसर्स को, और उन्हें रीच करने का क्या तरीका होता है? अच्छा, इससे ये सबसे आखिरी स्टेप है। आप जॉब इंटरव्यू के लिए उसे जाते हैं जब आप समझते हैं कि आप जॉब के काबिल हैं उस जॉब के, ऐसा ही है? तो यस सर, जब आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये लगता है कि अगर आपके मुकाबले में इंडियन सीवी हूँ जो कि हजारों की तादाद में होते हैं, अगर यूरोपियन सीवी हूँ, अमेरिकन सीवी हूँ, और प्रोफेसर के पास फंडिंग हो, तो वो उन सबको छोड़ के आपको रख लेगा या कम से कम इंटरव्यू करेगा आपका, ऐसा ही है? तो यस सर, आपके सीवी में ऐसी क्या चीज है भाई, आपको क्यों लगता है कि ये होगा? आर यू देयर? क्या आप उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं? मसलन मैं काफी सारे प्रोफेसर को जानता हूं, मैं आपका सीवी फॉरवर्ड कर सकता हूं। मुझे बताएं कि मैं प्रोफेसर को क्या बताऊं कि भाई एक स्टूडेंट है जिसका नाम सिराज है, इसे इंटरव्यू में कम से कम शॉर्टलिस्ट कर लें, क्योंकि बिकॉज, इसके बाद मैं उसे क्या बताऊं? सर जैसे आपने बताया कि जो हम लोग लीट कोड के क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, अपनी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, वो सब चीज़ें होंगी, और फिर जो क्या होगा, क्या हमारा बताऊं उसे, कैसे लीड कोड आता है? बाकी सर हमारा जो आईएलटीएस सीआरई और जो ग्रेजुएशन है हमारी, वो कंप्लीट होती है, तो उसके बाद ये तो दुनिया के हर कैंडिडेट के सीवी पे चीजें होंगी ना, पूरी दुनिया के लोग आयल्स करते हैं, जीआरई करते हैं, लीट कोड कोडिंग भी आती है, सब इंडियंस को आती है, इसके अलावा क्या चीज होगी? और हैकाथॉन्स का सर आपने बताया कि उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और हाँ जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेशनल अवार्ड्स की, इंटरनेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस की। तो अभी वो चीजें हो गई हैं या अभी हो रही हैं? सर अभी हो रही है वो चीज़ें। जब हो जाएंगे तो फिर बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके तो अभी हम इन्हीं चीजों में फोकस करते हैं, क्योंकि बगैर तैयारी के अगर आप प्रोफेसर को ईमेल करेंगे तो अपना अपना भी क्या कहते हैं कि बंदे का टाइम जाया होता है, प्रोफेसर का भी टाइम जाया होता है, और बाकी पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। इसे हम कहते हैं स्पैम करना। ठीक है, तो प्रोफेसर वैसे बेशुमार ईमेल आती रहती है।
जी आज शराबर प्रोफेसर है। ठीक जी है सर। सर। वो सर असल में मुझे यूएसए से प्रोविजनल एक्सेप्टेंस तो मिल गया था ना, प्रोफेसर ने फिर जो है फंडिंग नहीं की, उसने फिर कहा कि आप जो है डिफर कर दे अपने एप्लीकेशन। तो अब मैंने डिफर करना है फाइल 2024 में, तो तब तक जो है हम अपने सी तो में पैथॉन्स और इस चीजों को ऐड कर सकते हैं, मतलब उस अच्छा तब तक हम। बिल्कुल अच्छा, ये शिराज आपको क्लियर होना चाहिए कि यूएसए में अगर आपने अपने पैसों पे पढ़ना है तो आपको हर यूनिवर्सिटी रख लेगी, जी सर। आपको हजारों एक्सेप्टेंस मिल प्रोविजनल एक्सेप्टेंस मिल जाएंगी, मसला सारा स्कॉलरशिप लेने का होता है। असल में सर प्रोफेसर ने जो है 2023 में कहा था कि हम आपको फंडिंग कर देंगे, फिर स्प्रिंग 2024 में उसने कहा कि हमारे पास फंडिंग कम है तो आप डिफर कर दे फाइल में 2024 हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बिल्कुल इस दौरान आप अपना प्रोफाइल अप करें, लग रहा है कि आपका चांस बन सकते हैं, लेकिन आप इंशाल्लाह अपना प्रोफाइल अप करें और इतना आप करें कि आपको 10 और प्रोफेसर भी रखने के लिए तैयार हो जाए। तो उसके लिए यही चीजें, मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि पैथॉन्स और लीट कोड्स इन चीजों का अवार्ड लेना ये लाजमी है, बिल्कुल क्योंकि क्योंकि मैथमेटिक्स की बिल्कुल मशीन लर्निंग में और इसी तरह काफी सारी फील्ड्स है मैथमेटिक्स के जिसमें जो है पैथॉन्स का काफी सारा मतलब वो है, इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस नहीं बल्कि जरूरत है, लाजमी। पाइथन के अलावा दुनिया में से जॉब्स एग्जिस्ट नहीं करती। जी सर। तो मुझे आइडिया तो है सी प्लस प्लस का, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट में पढ़ी थी एक दो सेमेस्टर, फिर वो छोड़ के बीएस मैथमेटिक्स में आ गया था। तो इसी तरह पैथन इसके साथ रिलेटेड हो सकता है कि नहीं, इससे थोड़ा डिफरेंट है। जी जी बोले जी, क्वेश्चन रिपीट कर दें, क्या कहते हैं, मेरी तरफ आवाज सर क्वेश्चन नहीं। यह है कि सी प्लस प्लस की तो मुझे वो है एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने दो सेमेस्टर पढ़ी थी यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टार्ट में, फिर वो मैंने एग्जिट करके जो है मैथ में मैथ्स में आ गया था। तो इसके साथ ये रिलेटेड है पैथॉन्स या इससे बिल्कुल मुख्तलिफ कोडिंग है इसकी? यार आप इस तरह करें, पहले भाई आप पाइथन पढ़ लें, जी सर। और पाइथन आपको चाहिए, और आप ये बूट जी कैंप कर लें अगर आप सीरियस हैं। बूट कैंप के बाद आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी। मेरा फर्स्ट सेशन है ना पैथन का, इस वजह से सर पूछे, सॉरी तो हाँ फर्स्ट। बिल्कुल, तो जो मेरी कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं वो सुन लें, और ये बात याद रखें कि ठीक अपने आपको इस काबिल बनाएं कि 100 प्रोफेसर आपको रखने के लिए तैयार हो, ठीक है सर, ताकि उसमें से एक आपको वाकई रख भी ले। ठीक है सर। देखे ना, आसमान पे अगर सितारे हों ना तो जी आप सर। ये बहस कर सकते हैं कि इनमें से ज्यादा रोशन सितारा कौन सा जी सर। है, लेकिन अगर चांद आ जाए जी ना तो वो बहस ही सर। खत्म हो जाती है, और अगर सूरज आ जाए ना तो सितारे गायब हो जाते हैं, चांद भी गायब हो जाता है। तो कोशिश करें चांद या सूरज बने। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा मेरा भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है कि मेरा भी बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं था बिल्कुल भी। मैंने बीएस ऑप्टोमेट्री किया है, अब मैंने पाइथन सीखना स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ से क्लासेस भी ले रही हूँ और पार्ट टाइम साथ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। तो सर मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि जो लीट कोड है वो इसके साथ साथ करती जाऊँ या फिर मतलब जब पाइथन पे थोड़ा सा हो जाएगी ग्रिप आ जाएगी तो फिर उसके बाद लीट कोड पे जाऊँ? नहीं, पहले दिन से लीट कोड करना शुरू कर दो, पहले दिन से, डू नॉट वेट इवन फॉर अ सिंगल डे। ठीक है सर। कम से कम सवाल आपको समझ आना चाहिए, लीट कोड को सोल्यूशन बेशक समझ आना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि क्या कहते हैं तो आपको, ताकि अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगी क्वेश्चन किस किस्म के होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, थैंक यू जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी आवाज ना होने के बराबर है भाई, जरा जोर से बोले, बहुत ही काम आ रही है, बोले, समझने की कोशिश कर। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का मैंने आपसे पूछना जी क्या क्या पूछना है उसको? था। आपने बताया था कि अगर हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं या हैकाथॉन्स वगैरह हम करते हैं तो उससे हमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल सकता है। सर मैंने तो किया है अप्लाई और उसमें पार्टिसिपेट भी किया है,
रिकमेंडेशन देने का तरीका क्या है, कैसे मतलब नहीं चलेंगे? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसे लेते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप ऑब्वियसली अपने हैकाथॉन का सेशन, आपने अभी हैकाथॉन का वेबिनार हुआ था वो आपने सुना था? अच्छा तो भाई जो हमारा 9 PM का वेबिनार होता है उसमें दुनिया भर से एक्सपर्ट आते हैं आप लोगों से बातें करने के लिए और आप लोगों को बातें समझाने के लिए। तो अगर कोई बंदा वो वेबिनार नहीं लेता तो वो अपना बेशुमार लॉस कर रहा है जिसका कोई क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो कोशिश किया करें कि वो उनमें जाया करें और ताकि आप लोग मैच्योर हो, ताकि आप जब प्रोफेसर आपसे बात करे तो उसे लगे कि आप कोई पढ़े लिखे आदमी हैं। तभी हमारे हैकाथॉन के बारे में वेबिनार हुआ था तो मेरे ख्याल उस चीज में ये चीजें कवर की गई हूँ। ठीक है, सर, और सर मैंने पूछना था आपसे, मुझे ICPC एक कंडक्ट हुआ था कंपटीशन, कुछ दिनों पहले वो GK से प्रोफेसर थे, उन्होंने वेबिनार दिया था अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलो। सर, कुछ दिनों पहले ना GK से प्रोफेसर थे, उन्होंने वेबिनार दिया था इसके ऊपर, हाँ इंटरनेशनल बिल्कुल कॉम्पिटिशन बिल्कुल के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, उसके लिए फिर हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं मतलब? या आईकोड गुरु पे हर महीने एक कंपटीशन या हैकाथॉन आती है। वो तो एल्गोक्यून गर्ल्स का एक वेबिनार था और वो इंडिया इंडिया का था, वो इतना यानी कि इंटरनेशनल लेवल की इतनी बड़ी चीज नहीं थी। दैट वाज जस्ट वन ऑफ द इवेंट। ठीक है, लेकिन ICPC का भी जनरल में जा सकते हैं, मेटा के कप्स में जाएं, गूगल में जाएं। तो बेसिकली इन शॉर्ट जो हम क्या कहते हैं डॉक्टर रिजवान यहाँ से आप लोगों के लिए हैकाथॉन चूज करते हैं, जब वो चूज करते हैं कोई अनाउंस करते हैं तो उसे सीरियस लिया करें, क्योंकि जो 90% ऑफ द हैकाथॉन होते हैं वो टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम होती है स्टूडेंट का, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? मैंने जी वालेकुम सलाम। अभी कोडिंग स्टार्ट किया है, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ ICS, तो मुझे इसके साथ कौन सी स्किल्स लेनी चाहिए, इसके साथ क्या करना चाहिए? कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए? सिर्फ कोडिंग। कोडिंग सीखें, डाटा एनालिसिस सीखें। बेसिकली आप ये सोचिए ना कि आपने कौन सी स्किल सीखनी है। अगर आप आईकोड गुरु पे आती रहती हैं तो आप खुद ही वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल होंगे, क्योंकि उस टाइम काफी ज्यादा है अभी। तो बाकी ये फ्रेमवर्क सीखने की जरूरत नहीं है आपको। पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल ना करें और फोकस रखें कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में जाना 4 साल के बाद, और उस लिहाज से तैयारी करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर आप अपने कैरियर को एज अ पार्ट टाइम डील करेंगे तो फिर कैरियर भी आपको पार्ट टाइम वाला रिस्पॉन्स देगा। तो इसलिए ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि बिल्कुल ट्यूशन ना पढ़ाएं, बिल्कुल कोई और काम ना करें। 4 साल की डिग्री जो होती है ये डिजाइन की गई है फुल टाइम डिग्री के तौर पे, अगर इसे पार्ट टाइम बनाएंगे फिर आपको रिस्पॉन्स भी पार्ट टाइम मिलेगा पूरी जिंदगी। जी शोएब, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि GRE मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, और मैं ये सोच रहा हूं कि फेब फेब के एंड पे या मार्च के मिड में अटेम्प्ट करूं, तो सर उसमें उस टाइम पे ठीक रहेगा उस टाइम पे GRE करके, तो आगे प्रोफेसर्स को मेल करने के लिए फॉल 2025 के लिए ये टाइम फ्रेम ठीक है, मतलब लाइक मार्च ऑनवर्ड, इस पर अगर आप गाइड कर सकें तो आप GRE की तैयारी कैसे करेंगे? सर। GRE की प्रिपरेशन के लिए अभी मैं जॉब से 2 महीने की रेस्ट लूंगा, उस दौरान प्रिपेयर करूंगा। अभी तो सिर्फ मैं थोड़ा बहुत उसमें कुछ टच ले रहा हूँ, मतलब वोकैबुलरी वगैरह का कुछ थोड़ा पढ़ लिया, कभी आप आई कोड सेशंस गुरु ले पे रहे हैं यानी कि सर। अभी जो हमारे प्रॉपरली आजकल मैंने प्रिपरेशन तैयारी नहीं की, इसलिए मैं सेशंस रेगुलर नहीं ले रहा, कभी कभार ले लेता हूँ। अच्छा कोशिश करें कि आप पहली बात तो ये कि जब GRE तैयार करें तो GRE आप में और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में जो एक चीज़ है जो दरमियान में है वो GRE है, स्कोर अच्छा आना चाहिए। GRE कभी भी दे लें अगले जून से पहले पहले,
और उसके बाद फिर प्रोफेसरों को एक्सेस करना शुरू कर दें, ईमेल करना शुरू कर दें। तो अगले जून से पहले एक तो जीआरई आपको आना चाहिए। कोशिश करें जी हर महीने एक हैकाथॉन हो, कोशिश करें हर महीने कम से कम एक लिंक्डइन का आर्टिकल हो बहुत अच्छा सा, कोशिश ठीक है करें सर, आपके कम से कम 50 या 100 लेक्चर हों रिकॉर्डेड आईकोड गुरु के ऊपर, जब जब प्रोफेसर को कांटेक्ट करेंगे तो उसे भेजेंगे। क्योंकि जी सर, प्रोफेसर को अपने प्रूफ करना है ना कि आपको बोलना आता है, जी तो सर, अगर प्रोफेसर को जूम इंटरव्यू में आप बोलने का दिखाएंगे तो उसे तो आपकी इंग्लिश पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप 50 लेक्चर भेज देंगे तो उसे पता चल जाएगा, अच्छा भाई ये बंदा डिस्कस कर सकता है चीजें। जी ठीक है, सर, तो लेक्चर्स में प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा प्रेजेंट नहीं कर रहा तो उसे प्रोफेसर ने कांटेक्ट कर भी लिया तो वो इंटरव्यू में उसका ब्रेन फ्रीज हो जाएगा, उसे बोला नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जी आशर, आपका क्वेश्चन। ये सर मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अपने कुछ दिनों पहले वो आपके साथ बना तो अपने लिंक्डइन पे बहुत देखी थी मेरी आई तो मुझे इंक्लाइन किया था तो ये आशर आप हमारी क्लासेस में आते हो? जी सर मैं क्लासेस रेगुलर तो कर ये रहा आपका माइक किसी तरह का रहता है? नहीं सर ये लगता है अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी आपकी आवाज मुझे बहुत ही कम आ रही है। ठीक चलिए सर अब आपको एक मैं चेक करता हूँ। हाँ, चेक करके जरा फिक्स करके दोबारा है, ट्राई करें दोबारा लॉग इन करने। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना, नेक्स्ट साथी भाई जो आप लोग क्लास में बैठे हैं तो प्लीज ओपन योर माइक एंड आस्क। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा तो इसलिए सवाल था जैसे आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बोल जैसे आपने पढ़ाने का बोला, अब जैसे हम लोग दोस्त वगैरह बैठे होते हैं हम लोग करके अपने यूट्यूब वगैरह पे मैं अपलोड कर देता हूँ तो क्या वो भी उसमें काउंट करेगा? अगर आप उसमें बोल रहे हैं तो हाँ काउंट करेगा, लेकिन आप उस तरह करके जब प्रोफेसर, प्रॉब्लम ये आती है कि जब प्रोफेसर आपसे बात करते हैं ना तो बंदे का ब्रेन फ्रीज हो जाता है, गला बंद हो जाता है, टांगे कांपना शुरू हो जाती है। उसकी रीजन क्या है कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही तो क्या आप अंडर प्रेशर कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आपके नर्व स्ट्रांग हो चुके हो? वैसे शुरू में मेरे साथ होता था लेकिन अब ना ये हो गया कि अब चीजें हैंडल हो जाती है। शुरू में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आती भी चीजें हो लेकिन बंदा फ्रीज हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तो वो जितनी अच्छी चीजें आती हैं उतना बेहतर होता है। दूसरा फिर प्रोफेसर को आपने ये प्रूफ देना होता है, देखें जब आप पाकिस्तान से आए तो आपको हर चीज प्रूफ करनी पड़ती है, आपको ये भी प्रूफ करना पड़ता है कि मुझे बोलना आता है, तो उसमें ये लेक्चर्स हेल्प करते हैं आपके। तो प्रोफेसर ठीक आपके लेक्चर दो चार ब्राउज कर लेगा, उसे पता चल जाएगा, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ। ठीक है। अच्छा वो ठीक है, तो लेक्चर इसमें ये लाजमी वो लाजमी इंग्लिश में होने चाहिए अगर जैसे हम लोग कहीं उर्दू बिल्कुल में भी बात कर इंग्लिश में रहे नहीं हैं। होने चाहिए। आईकोड गुरु ओके के ठीक जितने लोग अभी तक बाहर गए हैं वो सारे उर्दू के लेक्चर भेजते हैं, है ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। जो 80% आपकी एकेडमी है अमेरिका में है उसे उर्दू आती है। ओके 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 गॉट इट ठीक है, तो उन सबको आती है उर्दू, और प्रोफेसर को सही नहीं आती है। तो उसके स्टूडेंट्स को आती होगी। सही अच्छा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है जो क्या कहते हैं नॉर्मली मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज इंडिया, तो सही है सर, ठीक हो इसलिए ये चीज गया इनसे निकाल दें। ठीक हो गया। जी नेक्स्ट। सर जी ये वेबिनार और सेशन रेगुलर बेसिस पे होते हैं या जो है फिर वीकेंड पे है, मतलब जिस तरह आप करें? यार, अच्छा आईकोड गुरु में जो वेबिनार है वो नॉर्मली हमारा वीकेंड पे होता है, सैटरडे 9 PM को, जो इंटरनेशनल बंदा 20-25 साल एक्सपीरियंस वाला आके देता है। जी तो अगर कोई सर, बंदा वो अटेंड नहीं करता तो आई डू नॉट कंसिडर हिम अ सीरियस पर्सन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं खुद भी जी उन्हीं सर, वेबिनार से बहुत ज्यादा सीखता हूँ। तो अगर कोई जी स्टूडेंट सर, उनमें नहीं आ रहा तो या तो उसे पता नहीं है उसकी इम्पोर्टेंस का, या वो सीरियस नहीं है, उसके लिए कोई ये और बाकी चीज कोर्स बहुत ज्यादा के लिए इम्पोर्टेंट जो है ये रेगुलर सेशंस होते हैं मंडे टू फ्राइडे या इस तरह फुल वीक? है। यार आप हमारी फेसबुक पे जाकर देख लें, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये बातें क्यों नहीं पता आपको? ग्रुप में तो हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पे भी हूँ, तो नहीं तो आप स्लैक पे नहीं है, तो स्लैक पे हूँ सर। स्लैक पे तो आपको ये बात क्यों नहीं पता? यानी कि मैं अमेरिका से बैठा हूँ आप लोगों के उन जी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए जो आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जो नॉर्मली नहीं मिलते, तो मेरा नहीं ख्याल मुझे इन चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए। जी सर,
सही है। तो हमारे ऑब्वियसली अगर आप स्लैक पे हैं तो आपको सेशन नजर आएंगे, फेसबुक पे जाकर 5 मिनट लगाते हैं आपको समझ आ जाएगी हम क्या करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जैसे आप, मेरे ख्याल से आप और रिजवान साहब शायद सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम्स की या सिंगल इन सिस्टम की तरफ के लोग हैं। अब जैसे अगर हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग अच्छी कर लेते हैं, हमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाती है, उसके अलावा हम एम्बेडेड सिस्टम या सिस्टम डिजाइनिंग की तरफ जाने के लिए और कौन सी स्किल्स हमें सीख लेनी चाहिए वहाँ जाने से पहले? क्योंकि आपने क्यों जाना उस तरफ? मैं वैसे एक जनरल क्वेश्चन, क्योंकि मेरे हाँ असल मैं में बताता हूँ, मेरा दिस इज रेसिपी फॉर फेलियर। अच्छा। कैरियर में फेल होना है ना, तो अपने आप अपना डोमेन स्पेसिफिक कर लें। ठीक हो गया। सिलिकॉन वैली में इस टाइम भी लाखों जॉब जॉब्स अवेलेबल हैं, तो उसमें से एम्बेडेड सिस्टम की कितनी होगी? मे भी 10 होगी, 15 होगी। तो जब आपका सीवी पे आपका एम्बेडेड सिस्टम का ठप्पा नजर आएगा, तो जो बाकी 1 लाख जॉब है उसके लिए रिक्रूटर आपको वैसे रिजेक्ट कर देगा स्क्रीनिंग में। ठीक ठीक हो तो गया। ऑलवेज ऑलवेज ब्रांड योर सेल्फ एज अ जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ताकि आपको हर किस्म का बंदा आपका आपको कंसिडर करे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये बेसिकली दो दो कोर्सेज के नाम है। मैं कोई बंदा कहे मैं साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट हूँ, साइबर सिक्योरिटी क्या भाई, ये 2 या 3 कोर्सेज है, वो कंपनी आपको खुद भी करवा लेगी अगर आपको कोडिंग आती है। लेकिन अगर आप कहेंगे ना मैं साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ, तो रिक्रूटर को लगेगा शायद ये कहीं और काम ही नहीं करना चाहता। ठीक है, तो डोंट बी अ डोमेन स्पेसिफिक, इट इज रेसिपी फॉर फेलियर। ठीक है। सही है, आपने इंटरव्यू क्लियर करना है गूगल का। आगे गूगल का मसला है कि आपसे क्या काम करवाना है सही उन्होंने, हो गया, सही हो वो गया। फिर गूगल में हजारों टीमें, आप अपनी पसंद की टीम में जा सकते हैं। एग्जैक्टली, एक दफा एंटर हो गए फिर तो कहीं भी जा सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली तो बेसिकली फोकस करें एंटर होने पे। ठीक हो गया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्टी परसेंट ऑफ द पीपल आर जस्ट क्वाइट, अस्सलाम नब्बे वालेकुम, परसेंट लोग नहीं बोल रहे। जी सलाम अहमद वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही? जी, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह अभी आपने बात की है कि हमें जो सीवी है वो अपनी दूसरों से डिफरेंशिएट करनी है प्रोफेसर के सामने, उसके लिए जिस तरह आपने मेंशन किया है कि हमें हैकाथॉन्स में जाना है, हमें लीड कोड करना है क्वेश्चन, अगर सर हम ये देखें कि जो इंडियंस हैं हमारे उधर, उनका क्या है कि वो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो भी लीड कोड कर रहे हैं, और इवन के वो अगर हम रैंकिंग के लिहाज से देखा जाए, जिस तरह अभी रिसेंटली हमारे पास थे गूगल कोड जैम था, मेटा हैकर कप था, उनके अंदर अगर हम देखें तो इंडियंस जो हैं उनकी पोजीशन पाकिस्तानियों से ऊपर आ रही है, लाइक उनके रैंकिंग वाइज देखा जाए तो उनके रैंक हमसे ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, यार मुझे एक अब बात, मैं अगर आपकी यहाँ वही बात हो काट रहा हूँ जी लगी जी अहमद, आपको ये बात कंफर्म होनी पता होनी चाहिए कि जब अगर आप हैरा अगर आप ऑर्डर करें ना पूरी दुनिया को, जी, तो इंडिया पहले 2-3 में होगा, पाकिस्तान ही आखिरी 2-3 में होता है। सर देर इज सो मच डिफरेंस। तो आपका क्वेश्चन क्या है, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए बड़ी अच्छी जी तरह से। जी सर, मैं मेरा क्वेश्चन मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अगर सर वो हमारे पास इस तरह की रैंकिंग में ऊपर आ रहे हैं, तो अगर इंडियन और पाकिस्तानी सेम प्रोफेसर को उनकी मेल जा रही है, तो हमारी सीवी में ऐसा क्या डिफरेंशिएट होना चाहिए कि जो उनकी सीवी के अंदर वो लैक कर रहे हैं, जिसकी बेस पे उनके हम जो है पास, हमारे क्लास हाँ से ज्यादा होनी चाहिए? मैं बता देता हूँ, जो इंडियन बच्चा जब अप्लाई करता है ना, तो जब वो प्रोफेसर का इंटरव्यू देगा तो उसे बोला नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। क्यों? उसने कभी पढ़ाया नहीं अंडर प्रेशर। जो आईकोड गुरु का बच्चा जाता है, हमारी क्या रीजन है कि हमारे स्टूडेंट्स को इतने स्कॉलरशिप मिल जाते हैं? उसकी रीजन ये कि हमारे स्टूडेंट के नर्व्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए होते हैं। ठीक ठीक है, ये अगर 20 या 30 या 40 बंदों को क्लास में पढ़ाना आसान काम नहीं है। ठीक है, ये तो इंडियंस के सीवी में आई कोड गुरु नहीं होता, ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। ठीक ठीक है, है सर, इंडियंस को कोई बंदा अमेरिका से बैठ के 1-on-1 ट्रेन नहीं कर रहा होता, आप लोगों को किया जा रहा, तो ये आप लोगों का एडवांटेज होता है। ओके ओके सर, थैंक सही है, तो बेसिकली आप
क्लास में जो लोग आ रहे हैं, एक बंदा जो बोलता है, जो प्रेजेंट करता है, और एक बंदा जो बोलता नहीं है, वो बिल्कुल दो डिफरेंट किस्म के इंसान है। उनका कैरियर का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं होगा बाद में। एक करोड़ों में सैलरी ले रहा होगा और दूसरा लाखों की सैलरी के लिए मिन्नतें कर रहा होगा। जी जी नजर आवे का क्वेश्चन। नो सर। अच्छा वो क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो जी किसी और को क्वेश्चन। जी सर, अब आपको आवाज आ रही है? अच्छा बहुत थोड़ी सी आवाज आ रही, लेकिन बोले। सर, मैंने आपसे कुछ बताया जाता है कि स्किल्स इम्पोर्टेंट है सीजी, ये आपको क्या लगता है? ये भाई, इसका मैंने आंसर बहुत जबरदस्त तरीके से अपने 4 कैरियर काउंसलिंग के टॉक्स में दिया हुआ है। 2-4 घंटे निकालने जिंदगी के, और वो एक दफा टॉक सुन ले मेरी। इसका काफी लंबा आंसर है। ठीक है ओके सर, जी। अच्छा दूसरी मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, कि आप में से कौन कौन साथी हैं जो कि अमेरिका में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं और गूगल वगैरह में जाना चाहते हैं, हैंड रेस करते हैं अपना अपना। अच्छा मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ कि मैंने एक दफा एक यूनिवर्सिटी में वेबिनार दिया, तो मैंने वहां पे भी पूछा कि आप में से कौन बंदा सीरियस है, तो सब ने हाथ खड़ा कर दिया। तो पूरी की पूरी जितने सेमिनार हॉल था, मुझे वीडियो नजर आ रही थी, तो 50 बंदों ने हैंड हाथ खड़ा कर दिया। 50 में से वेबिनार के बाद मुझे 4-5 लोगों ने कांटेक्ट किया। मैंने उन्हें अपनी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स भेज दी। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने टॉक्स भेजी, तो उस वक्त पाकिस्तान में रात के 12 बजे हुए थे। मैंने उसे देखा 4-5 लोगों को कि टॉक्स क्या कहते हैं, उसी वक्त लिंक्डइन में मैसेज किया। उनमें से एक स्टूडेंट का रात 4 बजे मैसेज आ गया कि मैंने सारी टॉक्स दे दी, अब आगे क्या करना है। एक स्टूडेंट का, 4 में से 1 का, 50 में से 4 ने कांटेक्ट किया, 4 में से 1 का आया, और वो स्टूडेंट अभी इस साल इंशाल्लाह अमेरिका जा रहा है। तो जो बाकी 49 थे, वो सीरियस नहीं थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था। तो कोशिश करें जितने लोगों ने हैंड रेज किया कि आप वाकई सीरियस, आप में से मोर देन 90% सीरियस नहीं होंगे, 2-4 सीरियस होंगे, तो कोशिश करें आप उन 2-4 में। राइट, जो चीज आपको बताई जाती, जब आप मेरे से बात करें तो मुझे लगे कि ये बंदा सीरियस है। सीरियस बंदे की निशानी क्या होती है, वो वेबिनार में आ रहा होता है, उसने कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुनी होती है, और उसका क्वेश्चन उससे नेक्स्ट स्टेप का होता है, उसका क्वेश्चन बिगनर लेवल का बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जो बिगनर लेवल का बंदा है, इसका मतलब है कि ही इज नॉट सीरियस एनफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? किसी को क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब आप सब लोगों सर, को। जी वालेकुम सलाम दानिश। मैं ना इस दफा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा था साथ साथ, और साथ साथ आइल्स की तैयारी कर रहा था। तो अगस्त में मैंने तैयारी शुरू की थी, तो सर मुझे रीडिंग में काफी मसला आ रहा था। तो इस वजह से ना यकम एक प्रोफेसर के साथ मेरी बात हुई थी, तो यकम दिसंबर को अप्लाई करना था। तो लेकिन सर वो बिल्कुल रीडिंग में काफी मसला आ रहा था, तो इस वजह से अब उस यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई तो नहीं कर सकता। लेकिन अब मैंने वो 15 दिसंबर का बुक करवाया हुआ है फाइल्स, तो वो अब दूंगा। अब प्लान यही है कि जो अगले साल है तब मैं अप्लाई करूंगा अच्छे तरीके से। तो सर अभी 15 दिसंबर को लास्ट बोर्ड मैं दे देता हूँ, और जनवरी के स्टार्ट पे मेरा ये 7वां सेमेस्टर खत्म हो जाना है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें मैं एक के ऊपर ज्यादा फोकस कर लूं, या फिर साथ साथ लीड कोड करता जाऊं और है कर...